मौन रहते हैं तो हर कोई अपने पास आकर के बैठता है। जैसे ही बोलते हैं तो शब्दों के प्रभाव से हम बंध जाते हैं। लोगों पर मौन का प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव तात्कालिक होता है, लेकिन जब हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, जीवन भर हम उसी शब्दों के वश में होकर के जीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ लोगों से सावधानी बनाए रखें। वो लोग कौन हैं जिनसे आपको सावधानी रखना चाहिए? सबसे पहले जो आपके आसपास घूमते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी गलत बात में आपका सपोर्ट करते हैं, जानते हुए भी आपको आपकी गलत बात में मिल करके आपको गलत बात में जोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, सबसे पहले आप उन लोगों से सावधान रहें। दूसरी बात, जो हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करें, याद रखना, तारीफ करने वाले को कभी अपना साथी नहीं अपना दुश्मन समझना। आज आपसे काम है, आपसे काम निकालना है, आपकी जरूरत है, इसलिए आज वो आपकी तारीफ कर रहा है। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा वह आपकी बुराई करना भी चालू कर देगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें जो हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं। तीसरी बात, उन लोगों से भी दूरियां बनाए रखना जो सदा आपके सामने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। याद रखना, आज तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तुम्हारे पास कैसा भी असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, अंतराय कर्म का उदय आ गया, उस समय नहीं दे पाए तो वह किसी न किसी तरीके से आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है और आपको परेशान कर सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से भी दूरियां बनाए रखना जो आपसे छोटे हैं। उनके सामने कभी अपनी बात शेयर मत करना, वो कभी बड़े भी नहीं हो सकते हैं। जैसी सोच रहती है व्यक्ति अपना जीवन वैसा ही जीता है। उनके साथ जब हम अपनी बात शेयर करते हैं तो कभी भी हमें नीचा देखना पड़ सकता है, कभी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। जीवन का सार यही है, मौन रहो, अपनी बातें अपने अंदर ही गुनगुनाते रहो। जब तुम्हें बोलने का मन करे अपने अंदर के मन से ही बोल करके, बातचीत करके वही की वही बातों को समाप्त कर दो। इसके बाद अपनी बातों को लेकर के किसी के सामने बहस ना करें, बकवास ना करें, टाइम पास ना करें, अपने बातों को लिमिट में बोल करके अपनी बातों को वही खत्म कर देना, तो ही आपके जीवन में जहां जहां जाओगे आपकी बात बनती रहेगी और आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम होता रहेगा। उसका एक ही मतलब है, मौन रहें, मन में रहें, मन के साथ अपने मन की बातें करेंगे तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। इसलिए आज का यही सूत्र है, इन लोगों से सावधानी रखेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। हम करंट से बच सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने आपकी तारीफ करता है उससे बहुत बचना मुश्किल काम होता है। इसे जीवन में अपने साथ जिए, अपने आप के लिए जिए, शांति आनंद के साथ अपने मन में जी करके, इन लोगों से सावधानी बना करके, अपने मन को आनंदित प्रसन्न चित्त बना करके अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। यही जीवन का सार है।